क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत के आगे भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व नतमस्तक हो गया है? क्या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नहीं चल रही? क्या सीएम वसुंधरा राजे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर एक राय नहीं बना पा रहे? यह कुछ सवाल आजकल राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं और प्रदेश पदाधिकारियों के सामने उठ रहे हैं। रही बात प्रदेश की जनता की, तो उन्हें तो मीडिया के जरिए जो खबर मिली रही है उसके मुताबिक यही जवाब मिलता है कि जब नियुक्ति होगी तो बता दी जाएगी, या फिर जवाब मिलता है कि संगठन अपना काम कर रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जब होनी होगी हो जाएगी। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजस्थान भाजपा में एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी खुलकर बोल नहीं पा रहा। प्रदेश पदाधिकारी सिर्फ सीएम राजे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ ही देख रहे हैं। यही हाल मोर्चों, प्रकोष्ठों और अध्यक्षों और भाजपा जिला अध्यक्षों का हो गया है कि आखिर वह क्या जवाब दें, कब तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। यही हाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों का भी है। सभी कैबिनेट मंत्री सीएम राजे के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने गुटबाजी करके अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सीएम राजे की ही चलनी चाहिए। 2 महीने से अधिक का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अभी तक राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व पर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। अलबत्ता विपक्षी दल कांग्रेस को जरूर बार बार बयानबाजी करने का मौका मिल रहा है, चाहे पीसीसी चीफ सचिन पायलट हों या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों ही नेता इस मामले को लेकर कई बार चुटकी ले चुके हैं।